हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोकैड ट्यूटोरियल। ऑटोकैड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लेयर्स का रहेगा कि हम लेयर्स नई लेयर बनानी हो कैसे बनाते हैं और हम लेयर को यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमें टूल बार में देखें तो यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। देख लीजिए, ये लेयर प्रॉपर्टीज़ है। नहीं तो सिंपल आप यहाँ से लेयर खुलगी इसकी। अगर आपने न्यू लेयर बनानी है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन आता है। न्यू लेयर बना दी हमने, न्यू लेयर डाल दी वॉल्स, ठीक है ना, इंटर। अब हमने इसमें कलर दे देना है। हम यहाँ इसमें कलर रेड दे देते हैं, ठीक है ना। हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू लेयर पे क्लिक, यहाँ पे हम विंडो लिख दिया हमने, यहाँ पे कलर की जगह इसे हमने ये वाला कलर दे दिया। इससे क्या होता है, हमारा प्लान का जो व्यू होता है लेयर्स यूज़ करने से, उसका व्यू थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। और जब हमने लेयर को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट होगी लेयर, ठीक है ना। अब देखो, हम सबसे पहले इसी लेयर से यूज़ करते हैं, नॉर्मल लेयर है जो, ठीक है ना। ये हमने लाइन ली, हमारे पास और एक प्लान है, हम उस प्लान पे ही देख लेते हैं। ये हमारा प्लान है। इस प्लान में हम क्या करते हैं, लेयर का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे बाय लेयर कर देना है, ठीक है ना। हमारी जो वॉल की लेयर है वो रेड है, ठीक है ना। हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट। ये हमारी वैसे सारी वॉल्स ही हैं इसमें, ठीक है ना। हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे कलर दे देते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। या फिर हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे LAY लेयर क्लिक की, लेयर क्लिक करने के बाद न्यू लेयर, ठीक है, न्यू लेयर ओपन की, हमने लेयर का नाम वाल डाल दिया, इंटर कर दिया, और इसे हमने कलर रेड दे दिया, ओके, ठीक है ना। लेयर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। अभी हमने क्या करना है, इन लाइन्स को, बाकी लाइन्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने इसे क्लिक करके ये कर दिया, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये लेयर सेलेक्ट होगी, ये वॉल्स रेड कलर की होगी। एक मेरे पास पूरा प्लान बना हुआ है, वहाँ पे इसे चेक करते हैं। यहाँ से हमने वर्कआउट ड्राइंग, ये हमारे ठीक है ना। हम क्या करते हैं, सिंपली ये है ना। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने लेयर्स को क्लिक करना है। देखिए, ये हमारी वॉल है ना, हमने इसे सेलेक्ट किया, ये भी हमारी वॉल है, इसे भी सेलेक्ट किया, ये भी वॉल है, इसे भी सेलेक्ट किया, और ये भी वॉल है, इसे भी सेलेक्ट कर दिया, इसे भी सेलेक्ट करके, इसे भी सेलेक्ट करके, इसे भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे लेयर पे जाना है, लेकिन यहाँ पे हमारी लेयर बनी हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेयर कमांड देते हैं, पहले लेयर LAY इंटर, यहाँ पे हम एक न्यू लेयर कलेक्ट कर, न्यू लेयर बना देते हैं, जिसका नाम हम वॉल्स रखते हैं, वॉल्स, ठीक है ना।
और इसका कलर हम दे देते हैं यहाँ पे रेड कलर दे दिया हमने, यहाँ ग्रीन कलर दे दिया फॉर एग्जांपल, हम ग्रीन कलर दे देते हैं ओके। और हम लेयर को सेलेक्ट कर देते हैं, ये हमने लेयर को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम वॉल्स को सेलेक्ट कर देते हैं, ये हम वॉल को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ ही वॉल्स लेते हैं, सारी को सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सारी को करेंगे तो थोड़ी वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कर्सर को लेके जाना है टूल बार में, ये वॉल्स पे क्लिक किया और ये हमारी सारी आप देख सकते हैं ग्रीन होगी। इससे क्या होता है, जो व्यू होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। मैं आपको एक अपना दिखा दूंगा ड्राइंग जो बनाई है, जिसमें मैंने लेयर का यूज़ किया हुआ है। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये मैंने इसमें लेयर का यूज़ किया है, ये देख लीजिए। इसमें ये डोर्स के लिए मैंने अलग लेयर रखी है, जो मेरी टोटल लेयर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं। ये 3D है, क्योंकि 2D में हमें कम ज़रूरत पड़ती है, 2D में तो हमें कम ज़रूरत पड़ती है लेयर्स की, लेकिन 3D में हमें लेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये देख लो, इसमें हर चीज़ जितनी भी लेयर्स हैं, डोर्स की अलग है, विंडो की अलग है। इसमें क्या होता है, थोड़ा प्लान जो हमारा अच्छा दिखता है, और ये हमने 3D में भी किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ आइसोमेट्रिक करके, एस जो लो आइसोमेट्रिक करके, ये देख लीजिए, ठीक है ना। हम फिर से इसे क्रॉप कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया हो कि हम लेयर्स को यूज़ कहाँ करते हैं और हम नई लेयर कैसे बनाते हैं और उसे यूज़ कैसे करना होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।